माय चैनल अलवियास किचन। टुडे आई एम गोइंग टू मेक नरगिस कबाब। फॉर दिस आई हैव टेकन 750 ग्राम बोनलेस मटन। मैंने यहाँ मटन प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब मैं इसमें वन ओनियन ऐड कर रही हूँ। ये मैंने 2 इंच जिंजर लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ 2 लहसुन लिया है गार्लिक, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें 100 ग्राम चना दाल ऐड कर रही हूँ, ये मैंने अच्छे से धोकर फुला लिया था। 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, यू कैन ऐड अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। यहाँ पर मैंने 2 तेज पत्ते लिए हैं, मैं इसमें डाल रही हूँ। ये कुछ मैंने ब्लैक पेपर लिया है, 2 बड़ी इलायची, कुछ जावित्री, 4 पीस दालचीनी, 8 to 10 लौंग क्लॉव्स, 7 पीस ग्रीन कार्डमम, 2 पीस बिग कार्डमम एंड 3 रेड चिली, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें 1 कप वाटर ऐड कर रही हूँ और मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे प्रेशर कुक करूंगी। मैं इसे 20 मिनट के लिए प्रेशर कुक करूंगी। ये मेरा मीट गल के तैयार हो गया है। अब मैंने इसे फूड प्रोसेसर में निकाल लिया है और मैं इसे बारीक पीस लूंगी। मीट को बारीक पीस लिया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये मैंने 1 मीडियम साइज के प्याज को बारीक कट कर लिया है, चॉप कर लिया है, कुछ कोरिएंडर लीव्स चॉप कर ली है और 1 ग्रीन चिली चॉप कर ली है, ये मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ। ये मैंने इसे सब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसे बिल्कुल मिक्स कर दे अच्छी तरह से। और ये मैंने 5 एग्स बॉयल कर लिए हैं, इसको मैंने छील के निकाल लिया है। अब मैं अपने नरगिस कबाब बनाने जा रही हूँ। इसके लिए पहले हाथों पर तेल लगा लें ऐसे, उसके बाद कुछ मीट लें और इसे हाथों पर रोल करें, हल्के हल्के इसे प्रेस करके बड़ा करें। एक अंदर रखते हैं, अब इसे पूरी अच्छी तरह से रोल करके इसको ऐसे ऐसे प्रेस करके इसे बिल्कुल गोल कर लें। ये देखें इस तरह से। ये मेरा नरगिस कबाब बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से मैं बाकी भी सब बनाऊंगी। ये मैंने मीट में बॉयल एग स्टफ करके नरगिस कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। ये मैंने 5 कोफ्ते नरगिस कबाब बनाए हैं। अब मैं इसे तेल में फ्राई करूंगी। ये मेरा तेल, मैंने इतना तेल ले लिया है कढ़ाई में, ये हाई फ्लेम पर हीट हो रहा है। जब मेरा तेल गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें नरगिस कबाब डालूंगी। तेल अब गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें एक कबाब ऐड कर रही हूँ, नरगिस कबाब ऐड कर रही हूँ। इसे हल्के हाथों से धीरे से डालें। अब मैं इसमें एक और कबाब ऐड कर रही हूँ। एक बार में 3 कबाब फ्राई कर रही हूँ। मैंने गैस को मीडियम फ्लेम पे कर दिया है।
अब इसे हल्के हाथों से इसको टर्न करें। मेरे कबाब फ्राई होके निकल गए हैं, अब मैं इसे सर्व करूंगी। नरगिस कबाब बन के तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अलवियाज किचन।